नमस्ते एंड एक मिनट दो मिनट चुप रहो ना. हाय एवरीवन स्टार्ट कर. अरे यार देखो जरा. हाय एवरीवन. अब तो हंसना मत. एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. सो आज मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये वाला जो व्लॉग है ना ये मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ न्यू ईयर तक मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि बस आने ही वाला है. दो दिन में न्यू ईयर है आप लेकिन जब तक देखोगे तब तक न्यू ईयर हो चुका होगा. सो आज क्या होने वाला है मेरी फ्रेंड जो आकांक्षा और विशाल है आपने उनको मेरे सारे बर्थडे व्लॉग्स में देखा होगा. आई थिंक मुंबई में मैं जब से बर्थडे व्लॉग बना रही हूँ आकांक्षा आती ही आती है. है वो बेसिकली भोपाल की ही और बट वो लोग भी मुंबई में रह रहे थे तो वो आई हुई है भोपाल. काफ़ी दिनों से आई हुई है. वो लोग मुंबई से मूव आउट कर रहे हैं. वो लोग भी अपने इन-लॉज के प्लेस में जा रहे हैं तो उसका जो मम्मी वाला घर है वो तो भोपाल में ही है बट इन-लॉज जो रहते हैं वो कहीं और रहते हैं. वो भोपाल आती रहेगी तो हम लोग डेफिनेटली मिलते ही रहेंगे बट स्टिल एक होता है ना कि वहाँ से चली जाएगी वो. तो आज हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग मिलते हैं चारों. तो वो लोग अभी यहाँ पर घर आने वाले हैं. हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ भोपाल में एक पास में रिजॉर्ट है. मैं पहले जब भी भोपाल आती थी तो हम आते थे मुश्किल से 7-8 डेज के लिए मैक्स टू मैक्स 15 डेज. वो 7-8 डेज हमारे कैसे निकल जाते थे. कभी हम बैंक का काम करा रहे हैं कभी किसी का खाना खाने हमको बुला लिया गया है कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है कभी मैं मेरे घर पे रहना चाहती थी. मतलब ऐसे भागा दौड़ी में आते थे कि हम भोपाल एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे. तो अब थोड़ा टाइम मिला है तो हम सोच रहे हैं चलो घूम के आते हैं. तो मैंने इन लोगों को यही बोला कि अपन टचवुड चलते हैं. तो वो दोनों आ रहे हैं फटाफट से मैं रेडी होती हूँ और चलते हैं टचवुड. अब सबसे पहले तो ये सोचना है कि कपड़े क्या पहन के जाऊँगी. तो ऑब्वियसली क्योंकि ठंड का टाइम है तो जीन्स ही पहनूँगी. एक मेरे पास ना जैकेट रखा हुआ है बहुत ही पुराना. विक्की का काम चल रहा है ऑफिस का. ब्लेज़र है वैसे भी जो लेदर नहीं होता है लेदर. वैसे अब तो मैं देखो लेदर नहीं प्रेफर करती हूँ क्योंकि अब पता चल गया ना कि कैसे लेदर बनाया जाता है. पहले तो छोटे थे तो ये मैंने लिया था फर्स्ट ईयर में मेरे पापा ने मुझे दिलवाया वहाँ से. भोपाल उत्सव मेला जो नहीं लगता है वो लगते हैं यहाँ पर हर साल दिसंबर में मेला लगता है. आई डोंट नो लास्ट टू मैं तो गई नहीं 5 साल से तो नहीं गए बट पहले लगता था अभी भी लगता होगा. जैसे अलग अलग जगह से लोग आते हैं तो उनसे हमने कश्मीर वाले भैया उनसे लिया था. तब ये था 2500 या 2700 रुपए का. 10-12 साल हो गए ना. 2011 या 12-13 की पास आउट हूँ मैं तो मतलब 2010 या 11 में मतलब आप समझ लो 12-13 साल पुरानी जैकेट है. एंड लुक एट दिस. इसमें सिर्फ क्रीजेस आ गए हैं वो भी अभी जब मैं पहनूंगी ना तो एकदम प्रॉपर हो जाएगी. मैंने हल्की सी इसको डस्टिंग करी थी. आज तक इसमें कोई पॉलिश नहीं करवाई है. कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं. 5 साल से तो लवारिसों की तरह पड़ी हुई थी लिटरली. एंड उसकी आप क्वालिटी देखो. ये अभी आप मॉल में चले जाओगे ना तो आपको 8-9-10 हज़ार से कम की नहीं मिलने वाली है. इस लेवल की जैकेट है वो. सबसे पहले मैं बेस करने वाली हूँ जिसके लिए मैं लगा रही हूँ ये कंसीलर हल्का सा यहाँ क्योंकि मुझे थोड़ी डार्कनेस है अभी भी. इट्स गोइंग बट स्टिल देयर. दैट्स इट. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पेन चीक टिंट और इसको लगाऊंगी मैं. तो बस इतना ही रहने वाला है. रेड लिप्स विद मिनिमल वो कुछ भी काजल लाइनर वगैरह मैं नहीं करने वाली हूँ. अब मैं चेंज करती हूँ फटाक से और फिर आपको दिखाती हूँ. गाइस सो आई जस्ट गॉट रेडी और अब हम लोग निकलते हैं फटाफट से. मैंने परफ्यूम वर्फ्यूम सब कुछ एकदम झकाझक लगा लिया है. हो गए रेडी. हो गए रेडी. मैं भी हो गई रेडी. वेरी गुड. अच्छी खुशबू आ रही है. क्या लगाया? अच्छी है. Soothing, woody और floral type की mix में अच्छी है. मतलब irritating नहीं है. हाँ. और hard भी नहीं है. अच्छी खुशबू है. बहुत soft, rich और अच्छी जो perfumes की होती है ये वैसी. मतलब unisex है या फिर सिर्फ ladies के लिए? अब अपना हाथ दो. तो इसकी खास बात ये है कि ये अगर आप लगाओगे तो अलग फ्रेग्रेंस आएगा. मैं लगाऊंगी तो अलग फ्रेग्रेंस आएगा. हर एक इंसान की बॉडी में अलग अलग तरीके की खुशबू आएगी. अब आप इसको स्मेल करो. अच्छी आ रही है. एकदम बूडी बूडी सी आ रही है ना. मस्क एंड और मेरे हाथ पे देखो फ्लोरल आ रही है ना.
अच्छी है। तो ये इस परफ्यूम की स्पेशलिटी है कि ये सारे लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है और माइल्ड अच्छी टिकने वाली खुशबू लग रही है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी मेरा फेवरेट बन चुका है, इज दिस मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च्ड एमी परफ्यूम। दिस इज अ ईडीपी 50 ml बॉटल। जिस दिन ये आया था थोड़ा सा अपने कभी कभार जो पहनी हुई होती हूँ उस पर भी मैं स्प्रे करती हूँ, एंड मैंने जिस दिन अपने वो जो स्टॉप पे स्प्रे किया था, एंड जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी और उस स्टॉप में से लिटरली उस रूम में जब मैं गई उस स्टॉप में से लिटरली फ्रेग्रेंस आ रहा था, तो मेरे लिए ये इम्प्रेसिव पॉइंट था कि वो 12 घंटे ऐसा ये क्लेम करता है कि ये 12 आवर्स तक चलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 12 आवर्स नहीं, ये 24 आवर्स तक लास्ट करता है। जब तक मैंने उस स्टॉप को वॉश नहीं कर लिया तब तक इसकी फ्रेग्रेंस उस स्टॉप में थी। हर बंदे का जो स्टाइल होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसके टेस्ट, उसके प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं, जस्ट लाइक फैशन। कैसा रहेगा अगर आपको आपकी कस्टम फ्रेग्रेंस दैट इज पर्सनलाइज्ड एंड स्पेसिफिकली यूनिक टू यू, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गेट अ यूनिक परफ्यूम फॉर योर सेल्फ नाउ। अब ये यूनिक कैसे होगा आप मुझसे ये बोलेंगे। दिस परफ्यूम्स रिएक्ट डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल स्किन ऑयल्स एंड प्रोड्यूस करता है आपकी खुद की एक सिग्नेचर सेंट दैट इज एब्सोल्यूटली वन ऑफ अ काइंड एंड कांट बी रेप्लीकेटेड। मतलब ये हर इंसान पे डिफरेंट तरीके का स्मेल करेगा। जैसे ही आप इसको अपने बॉडी पे लगाओगे आपकी खुद की यूनिक फ्रेग्रेंस ही बना देगा। दैट इज वाई दिस इज अ यूनिसेक्स परफ्यूम विच इज डिजाइन टू नेवर स्मेल द सेम ऑन anyone. This is India's first made safe certified fragrance. Description box में मैं लिंक दे दूंगी। मेरा यहाँ पर कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो यू विल गेट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मामर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पर। मामर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च करी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। मामर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस। आप जब भी मामर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे मामर्थ की वेबसाइट से, एवरी टाइम मामर्थ विल लिंक योर ऑर्डर on a website to a tree that they plant. इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आई लव इट, आई एम टोटली लविंग इट। आप डेफिनेटली मुझे बहुत बार इस परफ्यूम के साथ देखने वाले हो क्योंकि मैं इसको डेफिनेटली रिपर्चेस करूंगी। और आकांक्षा का भी कॉल आ चुका है, मैं फटाफट से शूज वगैरह पहनती हूँ और चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यही पास में एक टचवुड रिजॉर्ट, एंड देखिए कौन आया है मिलने। भाई बड़े बड़े लोग, हाय, बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग आए, एंड इतना बेस्ट फ्रेंडी वाला चल रहा है हम लोगों का कि हमने मुंबई छोड़ा, ये छोड़ रही है मुंबई, गम में छोड़ रही है मुंबई, ज्यादा गम है। सो मैं भी वही डिस्कस कर रही हूँ आकांक्षा से की आकांक्षा मेरे बुड्ढे पे कुए केक कौन लेके आएगा। कोई नहीं, मैं वहाँ से भेज दिया, वो बात नहीं है, और ये खुद आती है सरप्राइज देने। मुंबई में ही वो करेंगे, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसी चिल मारने के लिए क्योंकि परसों ही वापस चली जाएगी। ये मूव हो रही है अपने इन-लॉज के प्लेस में, वहाँ ये बिजनेस विजनेस करने वाले। प्रमोट कर देना ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जा रहे हैं जमशेदपुर ना, तो सारी जमशेदपुर वाली पब्लिक अगर कोई है तो कॉमेंट ऑन बिलो। तो पहुंच गए हैं, तू भी फर्स्ट टाइम आई है ना। क्या लग रहा है, मतलब मेरे बाल भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत सही लग रहे हैं। इसने कलर करवाए हैं विशाल के बर्थडे, मैं इसको भी यही कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि तेरे बाल इसको देख के मेरा मन हो रहा है थोड़ा सा हाइलाइट्स कराने का। करवा लो तुम भी ब्लॉन्ड, देखते हैं बर्थडे पे, देखते हैं फिर मुझे ऐसा लगता है ड्राई हो जाएंगे। तो मैं आपको अब जगह दिखाती हूँ। लाइफ इज अ वाइंडिंग रोड, नो टेलिंग वेयर इट गोस, driving through days and nights, won't stop for traffic lights, and I देख रहे हैं कैमरा उसको जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है। तो मैं कैमरा नहीं लेकर के आई, मोबाइल का लेकर के आई हूँ। हाय सो प्रिटी। रास्ते से जाएंगे और वहां जाकर के नीचे बैठने वाले हैं। इट्स ब्यूटीफुल। हुआ कि हम लोग अभी दिन में आए हैं बिकॉज पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स देखे हुए थे काफी मेरे फ्रेंड्स वगैरह के, मैं वही सोच रही थी कि दिन में ही आते हैं बिकॉज रात में तो ये पानी के पास है तो दिखेगा ही नहीं, तो मजा ही क्या आएगा। इट्स लाइक दैट। और पता चला कैप्चर करते करते मैं धड़ाम। Falling down, I will keep on searching for my highs. You can
can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. मजा आ गया यहाँ पे, मतलब मेरा मूड फ्रेश हो गया इधर आके, मुझे अब स्टेकेशन की जरूरत नहीं है. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं, विंडन वेव्स आए थे, मतलब हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, फिर हम यहाँ पे विंडन वेव्स में हमने डिनर किया और अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कुल्लड़ वाली चाय पीने के लिए एंड फिर घर निकलेंगे. ओके okay, तो आकांक्षा बताओ नेक्स्ट अपन कब मिलेंगे? बहुत जल्दी मिलेंगे, हो सकता है रुचि के बर्थडे में हम आ जाएं. यू नेवर नो. अभी दिसंबर में जा रही है, 31st में जा रही है, दो को वहाँ पहुंच रही है जनवरी में, मेरे बर्थडे पे ही आ जाएगी, 20 दिन बाद आ जाएगी, वो भी इतनी दूर से. ऐसा भी नहीं, सुनो ऐसा भी नहीं, भोपाल इंदौर, इट्स भोपाल जमशेदपुर, कुछ भी हो सकता है. हाँ, कुछ कल हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारा कुछ सामान छूट गया भोपाल में, तुम उसको लेने आओ, कुछ भी हो सकता है भाई. हाय एवरीवन, सो आज है 31st ऑफ दिसंबर, साल का आखिरी दिन 2021 का, एंड अभी बज रहा है आई थिंक 6:30 हो रहा है, मैं जस्ट ऊपर जा ही रही हूँ. प्लीज़ रेज योर हैंड इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप भी मेरी तरह नो पार्टी जोन में है, मतलब मैं तो बिल्कुल एकदम कंफर्ट उसमें बैठी हुई हूँ, कोई पार्टी वार्टी नहीं कर रहे हैं हम लोग, मतलब हम कर सकते थे, वी हैव ऑप्शन, वी हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स ओवर हियर, लॉट ऑफ नहीं, मतलब 3-4 ऐसे कपल फ्रेंड्स हैं जो हमारे काफ़ी खास एंड क्लोजेस्ट हैं, हम उनको बुला करके आराम से ऐसा कुछ कर सकते थे, बट मेरा ना विक्की इज़ ऑल्सो फाइन विद दैट, माई इन लॉज आर ऑल्सो फाइन विद दैट कि हाँ चलो अपन करते हैं ऐसे करके कुछ सो भी, बट मेरा ये माइंड सेट हो गया है इस बार, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अभी क्या होता है, 31st को आप जगते हो 2 बजे तक 3 बजे तक, चाहे रात भर जितना भी आप जागोगे, फिर उसके बाद आपका पूरा एक जो फर्स्ट होता है वो 11-12 बजे तक, फिर आप सोते हो, फिर वो पूरा ना मंदिर जा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, एकदम लेजी दिन, पूरा दिन ख़राब हो जाता है, मतलब वो पूरा दिन ख़राब हो जाता है, और क्योंकि 1 तारीख का दिन ख़राब हो गया, आप इतना लेट उठे हो तो आपको रात में नींद नहीं आती, मतलब वो पूरी साइकिल ही हिल जाएगी. तो जस्ट बिकॉज मेरी वो साइकिल ख़राब ना, ऐसा होता है कि फिर मैं चिड़चिड़ करने लगती हूँ, फिर चिड़चिड़ होती है तो विक्की के ऊपर चिल्लाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो मैं नहीं जाती वो सारी चीज़ें, मैं अवॉइड करना चाह रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 31st को कोई पार्टी नहीं, वैसे भी नहीं करते, पिछली बार भी मुंबई में थे तो हमारा तो खैर घर शिफ्ट हुआ था, तो हम लोग नॉर्मल घर पे हमने चिली मारा था, बट यस 31st का कोई एज सच प्लान नहीं है, और होता भी ना, मतलब अभी मैं इस जोन में आ गई हूँ, कोई मुझसे बोलता भी ना कि चलो 31st को यहाँ पार्टी करने चलते हैं, तो मैं शायद नहीं जाती, मतलब मैं बहुत ही कम्फर्ट प्रेमी हो चुकी हूँ, मुझे घर अपने पजामा और इसमें रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं नहीं जाती. सो यस, दिस इज़ आवर प्लान. प्लीज़ डू लेट मी नो कि आप लोगों ने क्या किया, क्या हमारे सब्सक्राइबर्स में कोई ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग और ये सब उन्होंने किया, या फिर आप भी मेरी तरह चिल मारोगे, टीवी देखोगे या कोई वेब सीरीज़ देखोगे और एकदम कोजी, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब आप देखो, एक तो मैं ये पहनी हुई हूँ, एक मैं ऊपर ये पहनी हुई हूँ और अंदर एक जो टॉप पहनी हूँ वो अलग, ऊपर से सॉक्स और ये सब. तो अभी हम बस इतना करने वाले हैं, हमने बहुत सारा खाने का सामान मंगवा लिया है, ये देखिए बहुत सारा सामान मंगवाया हमने मनोहर से, तो स्नैक्स हैं और सारी चीज़ें हैं, तो अभी बस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा कर के खाएंगे साथ में, और फिर मैं मेरे घर जाऊंगी, उनके लिए भी हमने कुछ कुछ मंगवाया है, वहाँ जा कर के उनके साथ फिर खाएंगे, बस खाएंगे और सो जाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे, यही करने वाले हैं. और मैं अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा काम भी कर रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जिससे मेरा दिल लग गया, मतलब मज़ा आ गया मुझे, तो मैं बहुत शौक से कर रही हूँ वो चीज़ भी, आपको पता चलेगी जल्दी ही, मैं ऑब्वियसली बताऊंगी अपने व्लॉग में, वो चीज़ दिखाऊंगी जब मेरा बन जाएगा. तो अब मैं फटाक से डिनर करके आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. हे गाइस, तो अभी हो रहा है 11:15, जगने वाली हूँ, क्योंकि वो पूरा
सॉरी पूरा रूटीन ही मतलब और अच्छा रूटीन ही हो गया है वैसे बताएं तो ये सही रूटीन है एक तरह से। तारीख को डे अच्छे से मतलब आइडियल डे जो घर वाले बोलते थे ना हमेशा कि भैया सुबह जल्दी उठो फर्स्ट को जो करो वो पूरा साल भर करते हो ये मंदिर जाओ और अच्छे एफर्मेशंस करो अच्छी हाँ। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आई होप आई नो बहुत सारी चीजें 2021 में बहुत सारे लोगों ने फेस करी है बहुत सारे घरों में बहुत सारे मतलब हमने अप्स एंड डाउन सभी ने फेस किया है तो आई विश एंड आई होप 2022 वैसा बिल्कुल भी ना हो और हाँ सबके लिए खुशियां हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से हैप्पीली इस नए साल को एंजॉय करें और बहुत अच्छी अच्छी हेल्थ लेकर के आए सबके लिए और बहुत सारी खुशियां लेकर के आए हेल्थ खुशियां और मेंटल पीस ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो सब आप लोगों को मिले और अब हम लोग जाते हैं सोने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हैप्पी न्यू ईयर और अभी बज रहा है 9:30 तो बस शार लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग मतलब विक्की ने शार ले लिया है मैं शार लेने के लिए जा रही हूँ और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर निकलेंगे। ओके गाइस तो रेडी हो गई हूँ मैं ये सब पहन लिया है और यही पहन करके जा रही हूँ मंदिर। मंदिर से जाएंगे हम लोग हमारे घर पे विश करने और मेरा एक और टारगेट है मैं वैसे तो कार चलाना लास्ट ईयर सीख चुकी थी बट अभी टीनू आने वाली है 15 को आ रही है ना तो मेरा इतना है कि मैं आज से लेके 15 तक इतनी एक्सपर्ट हो जाऊं कि मैं मेन रोड पे प्रॉपरली चला पाऊं और उसको रिसीव करने मैं जाने वाली हूँ उसको लेने और छोड़ने दोनों टाइम मैं जाने वाली हूँ उसको ऐसे सरप्राइज दिया जाएगा। सो ऐसे नॉर्मल बेसिक तो मेरे को आती है बट अभी रोड पे चला रहे मुझे थोड़ा डर लगता है ना तो वही प्रैक्टिस करने वाली हूँ मैं अभी। हैप्पी न्यू ईयर तो लेट्स गो। तो आज का सबसे फर्स्ट गुड डीड ये है कि जिस टेम्पल में अभी हम आए हैं यहाँ पर शाम को हम लोगों ने पूरा प्रसाद जो है वो हमारी तरफ से हो जाएगा तो वो हमने करवाया है और यहाँ पर ना डेली जैसे दो हॉस्पिटल्स हैं एम्स हो गया और जेपी हॉस्पिटल हो गया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का भंडारा होता है खाना होता है तो वो भी हम लोगों का करने का मन है वो भी करेंगे बट अभी आज शाम का जो भी यहाँ पर भोग लगेगा भगवान का और जो बटता है वो हम लोगों ने करवा लिया है बहुत अच्छा लग रहा है करवा करके तो स्टार्टिंग डे की बहुत अच्छी हुई है तो यस अभी हम लोग दर्शन ही कर रहे हैं मंदिर के। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रुचि स्टाइल कॉर्नर। ये देखिए ये इंसान आज गाड़ी चला रहा है बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है गाड़ी चलाने का? अच्छा लग रहा है अभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ क्लच कहाँ एक्सीलेटर कहाँ ब्रेक क्योंकि बहुत दिन बाद अगेन मैं 7-8 months बाद चला रही हूँ। लास्ट दिसंबर में चलाया था उसके बाद जब मुंबई जा रहे थे तब हल्का सा हाईवे पे चलाया था उसके बाद अब मैं सीधे अब चला रही हूँ। वेरी गुड क्योंकि मेरे को विक्की गाड़ी चलाते नहीं बनता भाई डर लगता है मुझे छोटी गाड़ियाँ पसंद है चलाना क्योंकि मेरा हाथ जमा नहीं है। गाड़ी में ना चार जगह कम से कम एल लगाएंगे अपन ठीक है और ऊपर भी लगा देंगे कि कोई ऊपर से आ रहा हो तो देख ले भाई। सही है आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम गाड़ी चला करके? घर की चाबी मेरे पास होगी ना आपके पास नहीं है तो। ओके गाइस सो आई एम डन विद द शूट शूट मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है मैंने अभी शूट भी कर लिया है। ओके मैंने शायद बताया नहीं मैं सो भी चुकी हूँ मैंने शूट कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ लेकर के आई हूँ ऐसे प्लांटर स्टैंड लेकर के आई हूँ मैं भी आपको दिखाती हूँ तो उसके लिए कुछ प्लांट्स लेकर के आने वाली हूँ और थोड़े से पॉट्स लेकर के आऊँगी एंड थोड़े फ्लावरिंग वाले प्लांट लेकर आऊँगी मतलब हमारे यहाँ काफ़ी सारे होम ग्रोन जो वेजीज होते हैं ना वो तो बहुत लगे हुए हैं बट इतने सुंदर सुंदर जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं वो नहीं है तो मैं वो लेकर आने का सोच रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो प्लांटर स्टैंड है ना वो कैसा दिखता है इस तरीके का दिखता है तो इसके लिए मैं प्लांटर्स लेके आती हूँ बिकॉज ये तो नहीं अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर आप बहुत सारे प्लांटर्स हैंग कर सकते हो इस तरीके का है तो जब ये हो जाएगा ना तब आई विल शो यू। ओके गाइस अभी शाम को भी मैं गाड़ी लेकर के निकली हूँ हम लोग गए जा रहे हैं प्लांट्स लेने के लिए तो मेरा ये है शाम को थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा तो मैंने विक्की को बोला सबसे पहले तो गाड़ी में एल लगाओ क्योंकि इस गाड़ी को मेरे अलावा अभी कोई और नहीं चला रहा ये पहले टीनू ही चलाती थी तो अभी हम एल लगा रहे हैं ताकि यू नो एटलीस्ट लोगों को पता रहे दैट आई एम अ लर्नर सो बी अवेयर ऑफ मी लाइक मैं अगर थोड़ा कुछ गलती भी कर दूँ तो इट विल बी लाइक फाइन। Oh,
डन विद द प्लांट शॉपिंग. ये हम लोगों ने जहाँ से परचेज किया है उसका नाम है लेक व्यू नर्सरी. ये आती है जो आपका सैर सपाटा वाली रोड है वहां पर. चलो अब निकलते हैं घर वापस से. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. सो आज है 2nd of January और आज क्या करने वाले हैं हम लोग. आज हमारे यहाँ शाम को थोड़े फ्रेंड्स वगैरह आने वाले हैं. एक जो हमारा फ्रेंड है मतलब जवस्वी जिसका नाम आप सुनते रहते हो, वो शायद कल इंदौर गया हुआ है और वो इंदौर से आज भोपाल आएगा. आ पाएगा नहीं आ पाएगा तो उसका थोड़ा डाइसी है. अदरवाइज़ बाकी के जो दो कपल्स हैं राहुल भैया और दूसरी शिल्पा और अंकुर भी आने वाले हैं. बाकी जो आकांक्षा और विशाल है वो लोग तो आज अपने होम टाउन के लिए निकल गए होंगे पूरा सामान वामान लेकर के, मतलब मूव हो रहे हैं. एक्चुअली उनका मुंबई में खुद का घर है तो सारा सामान मूव नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली आते जाते रहेंगे तो सिर्फ जो कपड़े वगैरह हैं वो मूव करने वाले हैं और थोड़ा बहुत जो काम काम का वो लोग भी भोपाल में होते ना तो हम उनको भी बुलाते हैं. सो वी आर डन विद द पार्टी. मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूंगी और अब हम सोने जा रहे हैं बिकॉज अभी जो टाइम है वो टाइम हो रखा है 12:30 बज रहे हैं. तो बातें करते करते मैं टाइम ही नहीं पता चला बट बहुत मज़ा आया. एक कपल थोड़ा उनको जल्दी जाना था, उनके घर में कुछ काम था तो एक साथ में होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे इस तरीके से. तो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो आपने कैसे न्यू ईयर बनाया है. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा. हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.